जी नजरीन, वेलकम बैक. आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और हमारा ट्यूसडे के दिन अब से सेगमेंट हुआ करेगा ट्यूसडे थर्सडे. इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट है सेहत ज़िंदगी है, और इसमें जो है आपके लिए सेगमेंट पेश किया करेंगी बिनेश जमाल जी. सलाम अलैकुम बिनेश जी. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? ठीक हैं आप बिनेश जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और चूंकि अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम सर्दियों पर बात करें, क्योंकि दुनिया भर में सर्दियां पड़ रही हैं. स्पेशली अगर आप देखें इंग्लैंड और यूरोप में, वहाँ सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं. तो इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी कि किस तरह से सर्दियों में आप अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं. अगर आप देखें, हम वैसे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, लेकिन जो एरियाज हैं ज्यादातर इस जो बराह रास्त जो है वो आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी देखा जाता है प्रोग्राम, इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी. लेकिन आज मैं जो हमारा ऑडियंस है जो खासतौर पर इंग्लैंड में है, जो यूरोप में है, वहाँ पर ट्रेंड बहुत ज्यादा है, उसके बारे में बात करूंगी कि सर्दियां आती हैं, स्पेशली माओं को ही फिक्र होना शुरू हो जाती है कि बच्चों को सर्दियों में प्रोटेक्टेड कैसे रखें. ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि पहली गर्मियां, पहली सर्दियां जो है उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए. तो पहली सर्दियां जो बच्चे जिनके लिए हैं, या वो बच्चे जो बड़े भी हैं उनका भी हम ख्याल करेंगे, तो उनमें सर्दियों में प्रोटेक्शन कैसे दी जाए. अब होता ये कि हम कपड़े वगैरह पहनाने की तो उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि थर्मल्स पहनाएंगे उनको, आप जो है वुलन कैप्स पहनाएंगी आप उनको, जो है हर तरह से मफलर्स और हर तरह से आप सॉक्स और सब कुछ पहनाएंगी. लेकिन जहाँ खाने पीने की बात आती है, तो आप फिर आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है, वो भी माहिर गजाइयत की, किस तरह से गर्म चीजें दी जाए, स्पेशली बच्चों को नाश्ते के वक्त, बाहर खेलने जब जाते हैं बच्चे उस वक्त, और अगर बच्चों का एक्सपोजर हो जाए सर्दी में, तो उस वक्त उनको क्या चीजें दी जाए जिससे उनको गर्माई मिल जाए और वो ठंड से बच सके. पहली बात तो ये है कि सर्दियों के मौसम में कोशिश ये करें कि बच्चों को जो है वो आप अर्ली मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप कोशिश ये करें कि आप उनको हाफ बॉयल्ड एग्स दे सकती हैं. साथ में 2 हाफ बॉयल्ड एग्स कर लिए, और साथ में आप बच्चों को जो है मिल्क वॉर्म जो है वो कॉफी दे सकती हैं, या आप चाहें तो दूध में बच्चों को जो है अच्छा सा फ्लेवर डाल के दे सकती हैं. लेकिन कोशिश ये करें वो फ्लेवर जैसे हों जो गर्म दूध में डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि कुछ फ्लेवर्स होते हैं वो बिल्कुल उनके कोल्ड मिल्क शेक्स बनते हैं, लेकिन कुछ फ्लेवर्स होते हैं जिनके अंदर ओवल्टीन आती है, जिसके अंदर आप टी बैग भी इस्तेमाल कर सकती हैं पत्ती वाला, जिसके अंदर आप कॉफी भी इस्तेमाल कर सकती हैं. बच्चे कैपुचिनो बहुत शौक से पीते हैं, और जो है उसके अंदर आप चॉकलेट भी डाल सकती हैं. तो ऐसा ब्रेकफास्ट दें जो पावरफुल ब्रेकफास्ट हो, जिससे बच्चों का एनर्जी भी रहे. तो उसमें आप 2 हाफ बॉइल्ड एग्स और साथ में आप उनको मिल्क से प्रोडक्ट उनको दे सकती हैं, कॉफी वगैरह. राइट, अगर बच्चे अंडे नहीं खाने चाहते, बहुत सारे बच्चे अंडे नहीं खाते, तो आप यूँ कर सकते हैं कि बच्चों को अच्छा से टोस्ट से पीनट बटर लगा के आप दे सकती हैं. पीनट बटर टोस्ट बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, या फिर कोई चॉकलेट स्प्रेड्स बहुत शौक से खाते हैं. अब ये लोगों को प्रॉब्लम होगा कि ये जंक है, हालांकि पीनट बटर जंक नहीं होता और ये चॉकलेट स्प्रेड्स जो है वो जंक नहीं होते, बल्कि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं. अगर बच्चे ये भी नहीं खाना चाहते, तो बच्चों को एग्स की फॉर्म में आप डिफरेंट चीजें दे सकती हैं, जैसे कि आप उन्हें मशरूम्स का ऑमलेट बना के दे सकती हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होता है. बच्चों को चीज ऑमलेट बना के दे सकती हैं, उससे फायदा ये होगा कि प्रोटीन लेने से उनको थ्रू आउट डे वो एक्टिव रहेंगे, वो लेथार्जिक नहीं होंगे, घर में बैठे नहीं रहेंगे. उनकी कोशिश होगी कि घर में भी ये जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे जो कि फिजिकल हो, क्योंकि आप देखें विंटर्स है और इंग्लैंड में और यूरोप में इस वक्त छुट्टियां हैं और बच्चे घर पे हैं, और बाहर इतनी बर्फ पड़ी हुई है कि बाहर निकलते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो घर में हमने एक्टिविटी करानी है और उनको एनर्जेटिक रखना है, तो हमें ऐसी डाइट देनी पड़ेगी जिससे वो एनर्जेटिक हो जाए. फिर दोपहर के लंच की बात आती है, तो लंच में आप उनको सूप्स दे सकते हैं, जैसे कि आप उनको हॉट एंड सार सूप बना के दे दिया आपने, अच्छा आपने राइस सूप बना के दे दिया आपने उनको, जो है वो ये जो होता है चिकन कॉर्न सूप, बच्चे चिकन कॉर्न सूप अमूमन बहुत शौक से पीते हैं, तो उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं होती हैं. उसके साथ आप बच्चों को जो है वो गार्लिक ब्रेड के पीसेस दे सकती हैं, या फिर आप एक काम कर सकती हैं कि उसके साथ आप फ्रेश फ्राई करके दे दें. बेसिकली ये बच्चों के लिए मैं ऐसी बता रही हूँ डाइट जिससे बच्चे जो है वो सुस्त नहीं होंगे बल्कि एनर्जेटिक होंगे, और वो बजाय बैठने के वो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा जाएंगे. अच्छा, फिर आप रात को क्या दें बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने थ्रू आउट द डे ऐसी कोई चीज नहीं खाई है, तो आप रात को काम कर सकते हैं, हमारी जो चपाती होती है चपाती के साथ आप उनको जो है वो बना के दे सकते हैं. आजकल स्पिनिच का मौसम है, तो आप स्पिनिच में मटन डाल के दे सकती हैं. अच्छा, और कुछ नहीं तो उनको फिश फ्राई करके दे दें, और रोटी के साथ बच्चे फिश खा सकते हैं. और कुछ नहीं तो रोटी के साथ आलू कीमा दे सकते हैं. तो कोशिश ये करें ऐसी चीजें दें जिनकी ठंडी तासीर ना हो. ऐसी चीजें खाने से बच्चे जो है वो
उनमें एक तरह की गर्माई रहेगी, बच्चों को सर्दी कम लगेगी और बच्चों में एक तरह की एनर्जी आएगी। अभी आप देखिए बच्चे जो है वो बहुत शौक से खाते हैं ऑरेंजेस एंड जो आजकल पोमीग्रेनेट आ रहे हैं, तो पोमीग्रेनेट एंड ऑरेंजेस का मसला ये होता है कि वो थोड़े से ठंडे होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा उनको प्रमोट नहीं करती हूँ। एक आध तो आपने खिला दे बच्चों को, इससे ज्यादा इस शदीद सर्दी में बच्चों को ना खिलाएं। और आप कोशिश ये करें कि बच्चों को मिल्क की प्रोडक्ट अगर आप सर्दी में देना चाहते हैं तो वो दूध बादाम, जो टिपिकल दूध बादाम होता है, गर्म दूध में आप बादाम ग्राइंड करके दे सकती हैं तो वो बच्चों को बहुत एनर्जी देगा। या फिर एक काम कर सकती हैं कि बच्चों को आप जो है गर्म जो ये होती है सूजी की खीर, या बच्चों को जो होता है गर्म गजरेला या गाजर का हलवा बच्चों को दे सकती हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, उससे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो हमें इन सर्दियों में ये ख्याल करना है कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें अभी नया नया खाना शुरू किया है, जैसा कि आप समझे कि न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जब वो 8 मंथ और 9 मंथ पर आते हैं तो बच्चे सॉलिड्स खाना शुरू करते हैं, तो उन बच्चों को आप एक काम कर सकती हैं हाफ बॉइल्ड एग दे सकती हैं। अच्छा, उसके साथ आप एक काम कर सकती हैं कि आपने सुबह नाश्ते में तो वो दे दिया, दोपहर को आप थोड़ी सी उनको सूजी की खीर बना के दे सकती है, रात को जो है वो आप चिकन डाल के उनको खिचड़ी बना के दे सकती हैं, या फिर वो आप उन्हें जो है वो चिकन कॉर्न सूप जो है बिल्कुल मैश करके दे सकती हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छी एनर्जी देगा। पूरी दुनिया में बात की जाती है कि हनी जो है उससे बच्चों को जो है वो एलर्जी हो सकती है, ये कुछ हद तक ठीक भी है कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि अगर आपको हनी से एलर्जी हो रही है, बच्चे को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो बेशक हनी मत दें, लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चे को जो है वो चिकन के स्टॉक में जो है वो खिचड़ी बना के या सूप बना के सॉरी कहा जाता है कि 12 महीने तक जो है वो बेबी को हनी नहीं देना चाहिए, इसमें क्या कहती हैं आप इस बारे में? मैंने आपको बोला है ना कि अगर आपको जरा सा भी शक है तो इसमें, क्योंकि आप समझे ना कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एलर्जी नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं वही बात अंडे के साथ भी आ जाती है, अंडे के साथ भी आप देखें ना कुछ लोग कहते हैं एलर्जी हो जाती है, तो उससे मैं बहस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हर पेरेंट का अपना तजुर्बा होता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर जिस चीज पर आपको शक है तो बेशक मत दें, आप अगर सुबह अंडा नहीं देना चाहती बच्चे को तो बच्चे को आप सूजी की खीर दे सकती हैं, ठीक। इसी तरह आप शहद बेशक ना दें, अगर आपको शहद से खतरा आता है तो आप उनको जो है वैसे गर्म पानी जो है कावा बना के वो दे सकती हैं, उससे बच्चे को जो किसी भी किस्म का ऐसी चीज नहीं आएगी जिससे बच्चे को जो है वो खतरा होगा। तो इस बारे में आप जो है वो जहां पे आपको जरा सा भी लगे कि बच्चे को कोई चीज रिएक्ट कर सकती है वो चीज दे ही ना। खिचड़ी सबसे सेफ होती है, चिकन जो है उसकी स्पेशली आप वो डाल के दे दें, और सबसे सेफ होती है बच्चे के लिए जो होता है आप समझे सूजी या फिर ये जो चावलों की खीर होती है वो दे दें, लेकिन चावलों की खीर याद रखिएगा थोड़ी ठंडी होती है, तो हमें हम बात करें गर्म चीजों की, सूजी गर्म होती है इसलिए दूध में सूजी पका के दे सकती हैं आप, खिचड़ी का जिक्र कर रही हूँ, या फिर शोरबा जो होता है जो हम बनाते हैं चिकन का शोरबा जो होता है उसमें थोड़ी थोड़ी आप चाहे तो टोस्ट की जो है वो टुकड़े डुबो के दे सकती हैं, तो वो बच्चों को जो है वो खाने में आसानी होती है, इसके अंदर गर्माई होती है, क्योंकि मछली और क्या नाम है अंडा शहद इनके ऊपर ये पीनट्स इनके ऊपर बहुत सारी बातें हैं कि बच्चों को एलर्जी हो सकती है, और सच्ची बात है कि पहला बच्चों का साल शुरू का ऐसा होता है कि उसमें बच्चे कुछ अजीबोगरीब रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उनकी बॉडी के साथ ज्यादा खेल नहीं सकते, तो बेहतर यही है कि आप एहतियात करिए। जी, तो ये तो आपने बात की बेबीज की, और बात एक जी मैं ये कही थी कि इसके अलावा इतने ये बच्चों की बात होगी, अब थोड़ा सा बताइएगा कि आपको ज़ाहिर आए दिन देखने को मिलता है, हम खुद भी बहुत जल्दी नज़ला जुकाम का शिकार भी हो जाते हैं, तो बड़ों के लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? ऑब्वियसली कि कई ब्लड प्रेशर के मरीज भी होते हैं, ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं खा सकते हैं, तो क्या वो क्या कर सकते हैं? देखिए कितनी अच्छी बात कही आपने कि ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, अब उनको सर्दी लग जाए, अब अगर उनको शहद खिलाएंगे तो शहद उनको चल जाएगा, मिसाल के तौर पर ना शहद का जिक्र आ रहा था, और गर्म कावे देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, तो बेस्ट ये है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो कोशिश ये करें कि गर्म चाय जिस तरह से होती है वो ले लें, कॉफी मत लें और दूध वाली चाय ले लें, और साथ में कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि एग योक से आपको हो रहा है ब्लड प्रेशर, वैसे होता नहीं है लेकिन अगर आपको शक है तो आप एग व्हाइट्स भी बॉइल करके ले सकते हैं, वो भी आपको गर्माई देगा, आपने वो ले लिया, साथ में आपने टोस्ट पे हल्का सा जैम और बटर लगा दिया वो भी ठीक रहेगा आपके लिए, आप चाहे तो चीज टोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर को आप काम कर सकते हैं कि सब्जियों को सूप ले सकते हैं जिसके अंदर आप समझे कैबेज है, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम्स हैं, ब्रोकली है, इसमें आप चिकन की बोटी डाल के इसका सूप ले सकते हैं, ये आपको अच्छी गर्माई देगा, या फिर वही बात है कि चिकन के शोरबे के साथ आप चाहें तो रोटी खा सकते हैं, और रात को कोशिश करें कि दाल का इस्तेमाल करें, जैसे मूंग मसर की दाल जो होती है वो मोतदिल होती है, ना वो गर्म होती है ना वो ठंडी होती है, तो मूंग मसर की दाल के साथ आप रोटी खा सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, ना आपको सर्दी लगेगी, या फिर लाल लोबिया रेड
किडनी बीन्स या फिर चने, ये वो चीजें हैं जिससे आपकी शुगर भी सही रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। ये आप ले सकते हैं, इससे ये होगा आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक, और बात ये होती है कि कोशिश ये करें कि अगर आपको ठंड लगने का खतरा है और आप एस्थमेटिक हैं, आप बड़े हैं, तो आप माल्टे वगैरह तो खाएंगे नहीं, क्योंकि माल्टों से जो है वो आपको एस्थमा हो सकता है। ये अगर गुआवा वहाँ पे अवेलेबल है तो गुआवा आप ले सकती हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आप ले लें। और कोशिश ये करें कि आप जो है वो कम से कम जो है वो ठंडी चीजों का एक्सपोजर लें, आइसक्रीम्स मत खाएं, वो तो आपको पता ही है, ठंडा पानी मत पिए, ठंडा पानी पीने से भी आपको मसला हो सकता है। बहरहाल किसी भी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप मेरा नंबर जो है वो नोट कर लें, 03-400-878-114, 03-400-878-114, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ताकि अगर जो भी लोग थ्रू आउट यूरोप या इंग्लैंड में है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि सर्दियों में काम और करें कि आप लोग अपनी रूटीन बनाएं, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है वहां पे, अपने पाँव को आप रोज जो है वो गर्म पानी में डालें 2 से 3 दफा, वो भी नमक डाल के। उससे ये होगा कि जितनी सर्दी है वो निकलेगी और आपको हीट पहुंचेगी। और कोशिश ये करें कि आप जब आपके पाँव ड्राई हो जाए तो मोटे मोजे पहन लें, सॉक्स पहन लें, उससे तो गर्माई मिलेगी। ये गर्म रहने का तो बहुत गलत तरीका है, सही, क्योंकि अक्सर लोगों को देखते पाए आपने वजू की और फौरी तौर पर आपने मोजे पहन लिए, उससे आपको फंगस भी लग सकती है और आपको सर्दी भी लगेगी। तो आप अच्छी तरह अपने पाँव को नीम गर्म पानी में, बल्कि थोड़ी गर्म पानी में नमक डाल के कुछ 10 से 15 मिनट रखें, उसके बाद आप जो है पाँव को अच्छी तरह ड्राई होने दें, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के या ऑलिव ऑयल को गर्म करके लगाएं, उससे भी सर्दी काफी कम होती है। अगर आप जैतून के तेल को हल्का सा गर्म करके उसकी मालिश करेंगे तो उससे भी काफी हद तक जो है गर्मी आपको सर्दी जो है खत्म हो जाएगी। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है और जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, वो अगर सर्दियों में गर्म दूध के अंदर रात को शहद और जैतून का तेल ऑलिव ऑयल जो है वो डाल के पी है, तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, आपको सर्दी भी खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है और आपको सर्दी भी लगती है तो रोज 1 टेबल स्पून आप रॉ ऑलिव ऑयल लें। रॉ ऑलिव ऑयल से आपका ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शर्त ये है तो एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए, वो बिल्कुल पका हुआ ना हो, बिल्कुल रॉ लें, और उसको आप सुबह आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। उससे आपको ना सर्दी लगेगी, ना आपका ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको डायबिटीज के इश्यूज आएंगे आपको किसी भी किस्म के। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जिस्मानी कोई भी किस्म का दर्द जो सर्दियों में होता है लोगों को, ऑर्थराइटिस का या कभी कोई पुरानी चोट लगी होती है, वो भी आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो सर्दी में इस तरह की प्रोटेक्शन आपको बहुत फायदा देगी, स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि अभी तो खैर हम बात कर रहे हैं जनवरी की, और जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक जो है इंग्लैंड में और यूरोप में बहुत सर्दी होती है। इन 3 महीनों में अगर आप ऐसे एहतियाते करेंगे और ठंडा पानी नहीं पियेंगे, किसी किस्म का ठंडा जूस नहीं पियेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप काफी हद तक जो है वो सर्दी से बच सकते हैं। बस एक बात बताते चाहिएगा मीनिश, आपने कहा कि दूध में शहद और ऑलिव ऑयल का सिर्फ 1 चम्मच काफी होगा या इससे भी कम? नहीं नहीं, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून आप जो है वो डाल सकती हैं शहद का। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी वीक है, एनेमिक है और आपको थोड़ी सी सर्दी ज्यादा लगती है, तो आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल का मेरा एक्सपीरियंस है तो कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, ये दूध पीने से आपके रिंकल्स भी खत्म होते हैं, अच्छा आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ड्राइनेस खत्म होती है। ठीक है, अबिनिश बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुफीद बातें आपने बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह हमारा जो आपके साथ आपका सेगमेंट नेक्स्ट होगा उसमें आप, मुझे उम्मीद है कि और भी इंफॉर्मेटिव और हेल्थी बातें जो हैं बताएंगी हमारे नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया आपका अबिनिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, थी हमारे साथ बीनिश जमाल, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशन भी हैं, और ये आपको आपकी हेल्थ के लिए हिदायत टीवी की कोशिश होती है कि रूहानी और जिस्मानी दोनों हेल्थ जो आपकी बिल्कुल सही रहें, बिल्कुल आप फिट रहें। आप फिट रहेंगे तो आप इबादत खुदावंदी में मसरूफ़ हो सकेंगे, आप फिट रहेंगे तो आप अपने दीन की समझ बूझ को हासिल कर सकेंगे, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप नई रिसर्च को, नई चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो इसी मकसद के लिए
मैंने ये चाहा कि सुबह हिदायत में आपके लिए आपकी सेहत से मुतालिक जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। और बिनिश ने बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं, चूंकि जाहिर है वैसे तो हमारे पास भी बहुत सारे पर्सनली जो होते हैं वो मैंने जो बात आपसे करती हूँ कि नानी दादी वाले टोटके जो होते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, जो एक प्रोफेशनल जो है जब इन चीज़ों के बारे में बताता है तो यकीनन उसमें जाहिर है उसमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी होती है उसके अंदर, और वो उसके आप उस पर अमल करते हुए ज़्यादा खौफ ज़्यादा भी नहीं होते। तो लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है, आपको कोई कंसर्न है, तो अपने पहले जीपी से ज़रूर पूछिएगा कि मैं ये जो है वो फूड इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी बीमारी में मुबतला हैं और किस ट्रीटमेंट अगर आप हेल्थी नहीं है प्रॉपर, आपकी हेल्थ जो है वो किसी किस्म की बीमारियों में मुबतला है इस वक्त, तो आपको सबसे पहले अपने जीपी से पूछना होगा कि मैं फ़लाँ चीज़ अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ या निकालना चाह रहा हूँ, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं। किसी भी किस्म की वही जिसे कहते हैं इंटेंस एक्सरसाइज भी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो भी आप अगर आपकी हार्ट का प्रॉब्लम है आपको या किसी और किस्म का प्रॉब्लम है, तो अपने जीपी से पूछना मत भूलिएगा। जो है जीपी के साथ अपनी जो इन टच रहिए अगर आप किसी किस्म के ट्रीटमेंट में आप ऑलरेडी किसी किस्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये तो सेहत ज़िंदगी है सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया, और अब हम जाएंगे बिल्कुल एक मुख्तसर से छोटे से वक्फे पर। जब वापस आएंगे तो हम अपने टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। तो जाते हैं एक छोटे से वक्फे पर।